हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एपेटाइट बस्टर में। आज हम लोग बनाएंगे बेबी कॉर्न चिली। ये काफी इजी रेसिपी है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। बेबी कॉर्न चिली बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म किया है और बॉयल होने के बाद उसमें नमक और 200 ग्राम बेबी कॉर्न कट करके डाल दिया। बेबी कॉर्न को हम लोग को 5 से 7 मिनट तक बॉयल कर लेना है। जब मेरा बेबी कॉर्न बॉयल हो जाएगा तब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। हम ड्रेन किया हुआ बेबी कॉर्न को हम लोग को एक बॉल में डाल देना है। अब इसमें 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसमें 1/4 नमक, 1/4 ब्लैक पेपर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा पानी डाल के अच्छा से मिक्स कर लेना है ताकि मेरा बेबी कॉर्न अच्छे तरह से कोट हो जाए। आप देख सकते हो कि बेबी कॉर्न कितने अच्छे तरह से कोट हो चुका है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही एक एक करके हम लोग बेबी कॉर्न को डालेंगे और मीडियम आंच में इसको फ्राई करेंगे। अब हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम बेबी कॉर्न को 2 बार फ्राई करेंगे, तो एक बार हम लोग को मीडियम आंच में इसको फ्राई करना है और एक बार फ्राई करने के बाद दूसरे फ्राई को हम लोग हाई फ्लेम में करेंगे। मेरा पहला फ्राई बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। बाकी बचे हुए बेबी कॉर्न को भी एक एक करके फ्राई करेंगे और इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम सेकंड फ्राई करेंगे और इसको हम लोग हाई फ्लेम में करेंगे, बट ध्यान से करना है ताकि मेरा बेबी कॉर्न जल ना जाए। ये 2 बार हम लोग फ्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा बेबी कॉर्न और भी क्रिस्पी बन सके। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 स्पून तेल लेंगे और इसमें थोड़े से लहसुन, घिसा हुआ अदरक और मिर्च डाल के थोड़ा भून लेंगे। अब एक कटा हुआ प्याज स्क्वायर शेप में, एक कटा हुआ शिमला मिर्च स्क्वायर शेप में डाल देंगे और थोड़ा देर तक इसको भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर और 1 चम्मच चिली फ्लेक डालकर भून लेंगे। अब मैंने इसमें 1.5 से 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच रेड चिल्ली डालकर इसको भून दिया। अब इसमें हम लोग 100 ml पानी डाल देंगे। पानी बॉईल होने के बाद हम लोग इसमें अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर स्लरी डालेंगे ताकि मेरा ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए। अब लास्टली हम लोग को फ्राइड बेबी कॉर्न इस ग्रेवी में डाल के अच्छा तरह से मिक्स कर देना है।
तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। आप देख सकते हो ये दिखने में कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। मैंने इसमें लास्ट में भुंजा हुआ तिल डाल दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।